कल 15 जुलाई को रिलायंस कंपनी का 43rd AGM था। AGM मतलब एनुअल जर्नल मीटिंग। इसके अंदर वो अपने पूरे साल का रिकैप लेते हैं कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया, क्या किया नया, और इसके साथ ही आप सभी को बताते हैं कि कौन से नए प्रोडक्ट्स पे वो काम करेंगे, क्या नया सर्विसेस लॉन्च करेंगे। इसमें उन्होंने बताया आप सभी को जियो ग्लास के बारे में। जियो ग्लास एक कमाल का इनोवेटिव प्रोडक्ट होने वाला है जो कि जियो आप सभी के लिए आने वाले कुछ ही हफ्तों में ले आएगा। आइए इस वीडियो में आप सभी को जियो ग्लास के बारे में शुरू से अंत तक बताता हूं जो भी अभी तक जानकारी मिली है हमें, और ये भी बताऊंगा कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहेगी और कब तक ये डिवाइस आपके हाथों में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो ग्लास है ये जियो ग्लास नहीं है, ये तो मेरा नॉर्मल सन ग्लास है, लेकिन कुछ ऐसा ही होने वाला है जियो ग्लास। आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक है, वो भी ऑल ब्लैक रहेगा। सारी इलेक्ट्रॉनिक, सारा टेक्नोलॉजी इसी ग्लास के अंदर रहेगा। आम ग्लास से वो थोड़ा थिक रहेगा, थोड़ा सा वजनी रहेगा, पर फिर भी 75 ग्राम्स के अंदर पूरे ग्लास का वजन रखा गया है। ये जो आप सामने का हिस्सा देख रहे हैं इसमें उसकी स्क्रीन रहेगी, और देखने पे ऐसा लगेगा कि आप किसी नए एनवायरनमेंट में हैं। अंदर से ऐसा विजन आएगा जैसे कि आप कोई वीआर ग्लास पहने हो। इसके साथ ही बगल वाले स्टिक के अंदर बैटरीज रहेंगी और यहाँ पर ईयर पीस रहेगा जो कि आपके कानों में आवाज़ देगा, गाने सुनेंगे या फिर किसी से बात कर पाएंगे। इनोवेशन का ये एक नया एरा है। COVID-19 का ये कठिन समय है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस ग्लास को डिजाइन किया गया है। लॉकडाउन के तहत स्कूल कॉलेजेस बंद है, वर्क फ्रॉम होम स्पाइक पे है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस चश्मे को अगर आप लगा लेंगे तो अंदर ही अंदर सबसे बात कर पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई खड़ा है, जैसे कि आप हॉलीवुड मूवीज में देखा करते थे साईफाई स्टाइल में। इस वीडियो क्लिप को देखिए और सारी चीजें आप अच्छे समझने लगेंगे। Jio Glass comes with a convenient cable that you can attach to your phone and thus connect to the internet. ग्लास के स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन के बारे में तो आप सब कुछ जान ही गए हैं, अब इसके फाइनेंस और इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्लास है अभी तक नहीं बताया गया है जियो कंपनी की ओर से कि कब तक अवेलेबल होगा, लेकिन लॉकडाउन का टाइम और COVID-19 के टाइम के मद्देनजर ये डिज़ाइन हुआ है तो ये जल्दी जल्दी लॉन्च होगा और मुझे जहां तक एक्सपेक्टेड है 15 अगस्त के पहले ये लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि जियो ने पिछली बार भी ऐसा किया था AGM के कुछ हफ्ते बाद 15 अगस्त को अपनी अनाउंसमेंट की थी। तो 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे होता है और तब ये लॉन्च हो सकता है आम मार्केट के लिए, और इसकी कीमत जहां तक एक्सपेक्टेड है 4,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक बीच होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारी मीडिया कंपनीज कह रही हैं, कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, और उसके मद्देनज़र मैं बता रहा हूँ कि 4,000 से 8,000 रुपये होने वाला है। इसके अंदर सिम लगेगा कि नहीं ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन अगर लगेगा तो केवल जियो नेटवर्क पे चलेगा। वाईफाई से कनेक्शन तो इसमें पक्का ही होगा। और आप एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरीके से रिलायंस जियो की सिम ने देश में काफ़ी बदलाव किया, उसी तरीके से जियो का ये ग्लास काफ़ी बदलाव करेगा। अच्छा, बार बार कन्फ्यूज ना होइएगा, ये जियो ग्लास नहीं है, आम ग्लास है। जैसे ही जियो ग्लास आएगा मार्केट में मैं आपको सबसे पहले वीडियो दूंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको उसके बारे में हर एक चीज बताऊंगा ग्लास आते ही मेरे हाथ में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल AGM में और सारी चीजें भी अनाउंस हुई हैं, जियो 5G के बारे में, जियो टीवी प्लस के बारे में, जियो टीवी प्लस बहुत ही कमाल की चीज है, सबके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। हमारे चैनल से बने रहें, देखते रहें, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हिंदुस्तानी हेल्पर को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।